देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी में बाइक सवार बदमाश ने घर के बाहर परिजनों के साथ बैठे एक युवक पर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ना होने से पुलिस ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। प्रेमनगर थाना अंतर्गत राम जानकीपुरम कॉलोनी में रहने वाले रजनीश रॉय ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 24 अगस्त को रात करीब 9:20 पर वो अपने परिवार के साथ घर पर बैठा हुआ था। क्या मामला लेके आज आप यहाँ आए? 24 तारीख को रात्रि को मेरे ऊपर गोलियां चली थी, उसके बावजूद मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं कई बार थाने में भी गया, चौकी में भी गया, मुझे पर मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। और बीते वर्ष भी मेरे घर के अंदर घुस के पेट्रोल डालकर वाहनों में आग लगा दी थी, उसकी भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं आज एसएसपी साहब के आया था, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी पर मुकदमा भी मेरा लिखा जाए, इसलिए मैं हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कुछ नहीं, उन्होंने सीओ साहब को आपसे लिख दिया कि आप जाँच करें। सर क्या मामला लेके आज आप लोग यहाँ आए? 24 तारीख को जानलेवा हमला हुआ है अजीत राय के ऊपर, उनके पक्ष में आई है, और इसमें हम लोगों को जो साथ सबसे बड़ी उम्मीद और आस है कि इसमें न्यायिक जांच करके हमें जो इंसाफ दे, हम उस इंसाफ के लिए ही गुहार लगा के एसपी साहब के समक्ष आए कि हाँ बस हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम चौकी भी गए, थाने भी गए, तो वहाँ जो है उनने आश्वासन दिया कि जांच चल रही है, जांच होने के बाद मानोपरांत कुछ हुआ होगा, तो यही चीज़ को लेकर हम लोग थोड़ा आश्वस्त हैं कि अगर जो है फिर दोबारा कोई ऐसी कहानी ना बने। अब इसकी उम्मीद से आए हैं कि हमें न्याय मिले और न्याय के प्रति हम जो है सचक हैं, और अगर नहीं मिला न्याय तो हम सड़कों पर मानो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हम तभी एक बाइक सवार बदमाश वहां आया और उसने फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। किसी प्रकार उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व अज्ञात लोगों ने उसके घर में आग भी लगाई थी, जिसका मुकदमा प्रेमनगर थाने में दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की मांग की है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता नजमा अवधि की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।